लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी में कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक साथ महासचिव बनाया गया था। प्रियंका को जहां पूर्वी यूपी की कमान सौंपी गई, तो वहीं सिंधिया को पश्चिमी यूपी की। लेकिन चुनाव में दोनों नेता पूरी तरह से फेल साबित हुए। चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ा तो सिंधिया ने भी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे से प्रियंका गांधी पर दबाव बढ़ गया है? तो क्या सिंधिया के बाद प्रियंका गांधी भी अपने पद से इस्तीफा दे देंगी? दरअसल प्रियंका को 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कानपुर से लेकर गोरखपुर मंडल तक की 42 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सिंधिया के कंधों पर पश्चिमी यूपी की 38 लोकसभा सीटों का प्रभार था। कांग्रेस को इन दोनों से चुनाव में बेहतर नतीजों की उम्मीद थी, लेकिन आलम यह रहा कि सूबे में पार्टी को जबरदस्त हार का मुंह देखना पड़ा। महज सोनिया गांधी ही अपनी रायबरेली सीट बचाने में कामयाब हुई। अगर सिंधिया और प्रियंका के परफॉर्मेंस की बात करें तो सिंधिया की जिम्मेदारी वाली 38 सीटों में से महज इमरान मसूद ही अपनी जमानत बचा पाए। वहीं प्रियंका के प्रभार वाले इलाके में राहुल गांधी की अमेठी और जयप्रकाश जायसवाल की कानपुर से जमानत बचा पाए। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में राहुल को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने राहुल ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी हिला कर रख दिया है। अमेठी सीट की जिम्मेदारी प्रियंका के कंधों पर थी। प्रियंका अमेठी में 2004 से ही काम देख रही थी, बावजूद इसके वो अमेठी का किला नहीं बचा सकी। आपको बता दें कि यूपी में कांग्रेस की इतनी बुरी हालत इमरजेंसी के दौर में हुई थी, जब 1977 में पार्टी का सूबे में खाता तक नहीं खुल पाया था। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी नतीजे इमरजेंसी से कम नहीं थे। यही वजह रही कि राहुल की तर्ज पर सिंधिया ने भी हार की जिम्मेदारी लेते हुए महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। जाहिर है इससे प्रियंका पर भी इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि दोनों नेता एक साथ महासचिव बनाए गए थे। कांग्रेस के एक ही कमरे में दोनों नेता बैठते थे और एक ही साथ यूपी में चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या प्रियंका भी पूर्वी यूपी में हार की जिम्मेदारी लेंगी और महासचिव पद से इस्तीफा देंगी। इंडिया न्यूज़ पैरल की रिपोर्ट।